हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि साइकिल के डिस्क ब्रेक के कैलिपर को किस तरीके से सेंटर में कर सकते हैं। मैं विशु रॉय आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल साइकिल राइडर रॉय में। चलिए देखते हैं कि आप किस तरीके से अपने साइकिल के डिस्क ब्रेक कैलिपर को सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। चलिए तो गाइस, ये है मेरे डिस्क ब्रेक का कैलिपर जिसको मुझे आज अलाइन करना है। इसको अलाइन करने के लिए मुझे चाहिए एक मल्टी टूल, जो कि मेरे पास बीटवीन का मल्टी टूल है। आप चाहे तो किसी का भी मल्टी टूल खरीद सकते हैं और उसमें से हम 5mm के एलन की को निकाल लेंगे। इस 5mm के एलन की से मैं इस कैलिपर को लूज़ करूँगा, जिसके लिए मुझे इस 5mm के एलन की से दोनों बोल्ट जो कि ऊपर और नीचे लगे होते हैं इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं इस तरीके से, और ऊपर के भी वाले को भी मैं लूज़ कर लेता हूँ हल्का सा। एलन की से लूज़ करने के साथ आप देख सकते हैं कि कैलिपर आपका किस तरीके से मूव हो रहा है। अब इसको ज़्यादा लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लूज़ करने से भी ये काम चल जाएगा। ब्रेक लीवर को प्रेस कीजिए जिस कैलिपर को आप सेंटर करना चाहते हैं। सेंटर जैसे ही आप ब्रेक लीवर को प्रेस करते हैं ये ऑटोमेटिकली सेंटर्ड हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। उसके बाद आप अपने सेम 5mm के एलन की से इसको टाइट कर दीजिए दोनों बोल्ट्स को। अच्छे तरीके से टाइट कीजिएगा ताकि आपके ब्रेक लगाने पे ये दोबारा अपने सेंटर पोजीशन से ना हट जाए। उसके बाद आप ब्रेक लीवर को छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं आपका डिस्क कैलिपर बिल्कुल सेंटर्ड और अलाइन्ड है। सो गाइस, ये आपने देखा कि किस तरीके से अपने साइकिल के डिस्क ब्रेक के कैलिपर को अलाइन कर सकते हैं। कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक कैलिपर यूज कर रहे हैं और अगर आप उसको निकालते हैं तो मेक श्योर आप कभी भी ब्रेक लीवर को पूरी तरह से ना दबाएं। इससे आपके दोनों ब्रेक पैड्स बाहर आ जाएंगे और आपका डिस्क ब्रेक का कैलिपर पूरी तरह से ब्लीड कर जाएगा। अगर आप मैकेनिकल ब्रेक यूज कर रहे हैं तो उसको आप फिर भी इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, घंटे का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।